हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है NFA के ऊपर। सो व्हाट डज मीन NFA? सो NFA है एक अपना नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो इसका मतलब क्या है? अगर हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा समझना है तो इसके पहले एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। ठीक है, सो DFA क्या होता है? सो DFA की प्रॉपर्टीज जो कि अभी तक हमने पढ़ी है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज DFA की होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इन DFA गिवन द करंट स्टेट वी नो व्हाट द नेक्स्ट स्टेट विल बी। तो अगर हम करंट स्टेट के अंदर हैं सो वी नो व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट, हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमें ये पता है। फिर सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इट हैज ओनली वन यूनिक नेक्स्ट स्टेट। इसके अंदर इट हैज Only one unique next state, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसके अंदर केवल एक यूनिक नेक्स्ट स्टेट होगा। फिर थर्ड जो DFA की प्रॉपर्टी है, इट हैज नो चॉइसेस और रैंडमनेस। इट हैज नो चॉइसेस और रैंडमनेस, मतलब हमारे पास में कोई चॉइसेस नहीं होती है कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो कौन कौन से तरीके से जा सकते हैं, या रेंडमनेस का कोई हमारे पास में सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारे पास में यूनिक स्टेट नेक्स्ट स्टेट होती है। फिर है हमारे पास में इट इज सिंपल एंड इजी टू डिजाइन। ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिजाइन। एक एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि ए हो गया हमारा एक स्टेट, बी सी, तो ए से बी जा रहे हैं जब हमें वन मिल रहा है, वहीं हम बी से ए आ जा रहे हैं, वहीं हम सी से ये, यहाँ पर वन वन, ये हमने एग्जाम्पल बहुत एग्जाम्पल देख लिए इनके, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम इसको एक और मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा DFA का। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर करंट स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें एक बिल्कुल हमें एक स्टेट मिलेगी मिलेगी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वी नो कि सर्टेन स्टेट होगी होगी एक पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर। अगर हम इनपुट वन दे रहे हैं तो हम बी के ऊपर पहुंचेंगे, और अगर जीरो दे रहे हैं तो हम सी के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, वहीं इट हैज़ यूनिक नेक्स्ट स्टेट। अगर एक इनपुट के लिए एक ही यूनिक स्टेट होगी, यूनिक ट्रांजेक्शन होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर, मतलब अगर वन आने पर ए से हम कोई और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर नो चॉइसेस और रैंडमनेस, हमारे पास में वन के अलावा कोई और चॉइसेस नहीं है कि ए से बी जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है हमारे पास में। अगर हम वन देंगे तो हम सर्टेनली बी के ऊपर ही जाएंगे, कोई और चॉइस हमारे पास में नहीं है, और वी नो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम समझते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिल्कुल अपोजिट है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा से, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से बिल्कुल अपोजिट है। सो इन NFA गिवन करंट स्टेट देयर कुड बी मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट, गिवन करंट स्टेट वी कुड हैव मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर वन।
अनदर पॉइंट इज द नेक्स्ट स्टेट मे बी चूजन एट रेंडम। हमें अगर नेक्स्ट स्टेट पे जाना है तो हम रेंडमली कोई भी स्टेट को मतलब चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट मे बी चूजन एट रेंडम, हम रेंडमली उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट स्टेट कौन सी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट रेंडमली हम कोई भी स्टेट को ले सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे, और ऑल द नेक्स्ट स्टेट स्टेट मे बी चूजन इन पैरेलल। ओके, दिस इज अनदर कॉन्स्टेंट हियर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड with the help of example. Suppose you have A here. So if you have A, you can either go in B if you get 1, or if you get 1 again, you can go in C also. If you get 0, you can either stay in A itself, or you can go in D, or you can go in epsilon. So if you got E epsilon, you can go in E. So here we have facility of epsilon. See, what does meaning of epsilon? It means ki empty string. If you have empty string, you can change your state. Okay, so this facility only we have in NFA, not in DFA. ओके, डीएफए में हमारे पास में फैसिलिटी नहीं है, ओनली एनएफए में के अंदर ही हमारे पास में फैसिलिटी है, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप करंट स्टेट से मल्टीपल स्टेट में कैसे जा सकते हो। अगर सपोज ए स्टेट पे हो आप, तो आप बी पे भी जा सकते हो और सी में भी जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेट आपकी बी भी हो सकती है और सी भी हो सकती है। तो मल्टीपल स्टेट यू कैन, नेक्स्ट आपकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है। वहीं जीरो के लिए आप ए में भी स्टे कर सकते हो या डी में भी जा सकते हो, ठीक है। और यू कैन ऑल द नेक्स्ट स्टेट मे बी चूजन इन पैरेलल, पैरेलली भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है, कि आप वन डालकर बी में और सी में पैरेलली आप जा सकते हो, ठीक है। फिर आप कोई भी स्टेट को रेंडमली चूज कर सकते हो कि आपको वन डालने पर बी में जाना है सी में जाना है, यू कैन चूज इट रेंडमली। सो देर इज नो कॉन्स्टेंट फॉर दैट। ओके, सो NFA में हम किसी भी स्टेट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेट में जाए, इट इज़ लीगल, तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में एक NFA एग्जांपल है, ये हमारे पास में NFA का ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, जीरो और वन, ये है इनकमिंग। सो ये किसका एग्जाम्पल है, एक लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, जितनी भी स्ट्रिंग्स है उन सब का सेट दैट एंड्स एंड्स विद जीरो, जो कि जीरो से एंड हो रही है, तो उनका सेट है। तो आप देखिए कि जैसे ही हमारे पास में जीरो आया, तो हम हमारे पास में ए के ऊपर अगर हम हैं और हमारे पास में हमें जीरो मिल रहा है, तो हमारे पास में मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट है, आइदर वी कैन स्टे ऑन ए और बी। सो ये हमारे पास में एनएफए का एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि जब हमें मल्टीपल स्टेट देखने को मिले तो दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। सो देन यहाँ पर बी पर आने के बाद में अगर हम जीरो दें या वन दें, हमें हम कुछ दे ही नहीं रहे और ये कहीं नेक्स्ट स्टेट पर जा ही नहीं रहा है, ये चीज डीएफए में इलीगल है लेकिन एनएफए में लीगल है। तो एनएफए में हम किसी भी स्टेट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेट में जाए, इट इज लीगल हियर। ओके, सो एनएफए बनाना इजी है कंपेयर देन आपका, अगर मैं उसकी बात करूं, डीएफए की बात करूं, तो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एनएफए को बनाना बहुत ही आसान है। चलो अब थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, ये तो हमने इनफॉर्मल डेफिनेशन देख ली, हम थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जो एनएफए है आपका, वो भी डिफाइंड है आपके फाइव
जो टपल है उनके ऊपर, फाइव टपल्स के ऊपर आपका एनएफए डिफाइन है। कौन कौन से वो फाइव टपल हैं? क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, एफ और डेल। तो समझते हैं कि जिसको हम क्विन टपल भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्विन टपल। ओके, तो एनएफए भी हमारा इन्हीं के ऊपर डिफाइंड है। तो एक एक करके समझते हैं। क्यू क्या होता है? सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका सेट, कि जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, इनके बारे में एक एक करके हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा हो गया सिग्मा, दिस इज इनपुट, नथिंग जस्ट एन इनपुट। देन वी हैव क्यू नॉट, व्हाट इज क्यू नॉट? दिस इज स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टेट, और इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं हम इसको, इनिशियल स्टेट। द स्टेट विच हैज एरो विच इज कमिंग फ्रॉम नोवेयर, वो स्टेट जिसके ऊपर एक एरो हो जो कि कहीं से नहीं आ रहा हो, ठीक है। बेसिकली इस तरीके का, ये किसी भी उससे हो सकता है। तो ये स्टेट होगी स्टार्टिंग स्टेट। फिर हमारे पास में हो गया एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। एंड देन वी हैव डेल, डेल इज नथिंग जस्ट एन फंक्शन, सेम एज वी हैव स्टडीड इन डीएफए। सो व्हाट इज द फंक्शन? क्यू क्रॉस सिग्मा मैप टू, एक बार इसको छोड़ देता हूं मैं, क्वेश्चन मार्क। डीएफए के अंदर ये था, डीएफ और डीएफए, डीएफए के लिए ये था क्यू क्रॉस सिग्मा मैप्स टू क्यू ओनली। बट हेयर हमें थोड़ा सा इसको और समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो इसको अपन एक बार छोड़ देते हैं, बाद में समझते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल वही जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी को ले लेते हैं। ए हो गया, अगर 0 और 1 आ रहा है तो यहीं स्टे करेगा, अगर हमारे पास में 0 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्यू की बात करते हैं। तो क्यू क्या है? क्यू क्या है? हमारा सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी सेट्स सेट है स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं उनका सेट। तो कौन कौन सी स्टेट है? ए एक स्टेट होगी, बी बी एक स्टेट होगी। तो ए और बी हमारे पास में 2 स्टेट होगी। फिर आप देख सकते हो हमारे पास में दूसरा है सिग्मा। सो सिग्मा इनपुट्स, इनपुट हम क्या क्या दे रहे हैं? एक तो 0, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। एक तो हमारे पास में 0, एक वो हो गया इनपुट हो गया, और एक 1 हो गया। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है? नहीं। तो 0 और 1 कर्ली ब्रेसेस में मैं इनको बाउंड कर देता हूँ, ठीक है। देन वी हैव क्यू नॉट, क्यू नॉट नथिंग बट एन स्टार्टिंग स्टेट। ओके, सो स्टार्टिंग स्टेट एरो किसके ऊपर आ रहा है? ए के ऊपर। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग स्टेट। सो ए हो गया हमारा स्टार्टिंग स्टेट। वही एफ हमारा हो गया फाइनल स्टेट। सो फाइनल स्टेट कौन है? बी, ऑब्वियसली बी। अब बड़ा क्वेश्चन है कि ये आपका डेल क्या होगा। सो डेल समझने के लिए चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में डेल को हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। उसी इसी एग्जाम्पल के लिए हमारा एक क्वेश्चन है कि स्टेट ए ऑन गेटिंग इनपुट 0, वेर इट गोज, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए बनाते हैं कि ए स्टार्टिंग स्टेट है हमारा ए, ठीक है, और जब इसको इनपुट मिल रहा है 0, यही होता है ना कि क्यू इंटू सिग्मा। सो ए स्टार्टिंग स्टेट है ए हमारा, जब इसको इनपुट मिल रहा है 0, तो ये इट मूव्स, इट गोज टू इधर ए, एंड 0 मिलने पर ये बी की तरफ भी जा रहा है, और 1 मिलने पर
एग्जाम्पल, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल इसी का, ठीक है। वन मिलने पर ये ए के अंदर रह रहा है, ठीक है। अगर आप वही चीज जब हम बी के साथ में, स्टेट बी के अंदर अगर हम जीरो दे रहे हैं, इनपुट जीरो दे रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? ये कहीं नहीं जा रहा है। देखिए बी देने पर इसका कहीं नहीं है, तो हम इसको अगर सेट थ्योरी के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे? इसको फाई लिखेंगे, कहीं नहीं जा रहा है। ओके, वहीं वन देने पर भी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कि ए ऑन गेटिंग इनपुट जीरो वेर इट वॉज, ए और बी, वन देने पर ये ए पे आया, वहीं बी इस तरीके से मूव किया। तो हम समझते हैं इसको, थोड़ा और इलेबरेट कर लेते हैं कि ए जब वन मिल रहा है तो इधर इट गोज टू ए और बी, और ए बी बोथ और फाइव। ओके, सो गेटिंग अ सर्टेन इनपुट इट कैन गो इधर ऑफ दैम। ओके, सो हमारे पास में स्टेट कितनी? दो स्टेट्स, कौन कौन सी? ए और बी, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज कितनी मिली हमें? चार पॉसिबिलिटीज की, चार पॉसिबल जगहों पर वो जा सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि दो स्टेट्स और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी रही? चार। चार, तो इसको टू इंटू इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। फिर बाद में हमारे पास में, मान लो एक और एग्जांपल हमने लिया कि जहाँ पर हमारे पास में थ्री स्टेट्स हैं, हमारे पास में स्टेट्स हैं थ्री, तो कौन कौन सी स्टेट हैं? ए, बी और सी। तो वन आने पर वो कौन कौन सी स्टेट में जा सकता है? वो ए में जा सकता है, बी में जा सकता है, सी में भी जा सकता है, ए बी दोनों में जा सकता है, ए सी दोनों में जा सकता है, बी सी में भी जा सकता है, ए बी सी में भी जा सकता है, और फाइ किसी में भी नहीं, वहीं रह सकता है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा उसका। तो यहाँ पर थ्री स्टेट होने पर कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो थ्री स्टेट पे एट पॉसिबिलिटीज। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 to the power 3 equals to 8। तो यहां से आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है कि जब दो स्टेट थी तब चार आया, तीन थी तब आठ आया, तो एक रिलेशन निकल के आया हमारे पास में कि जो सिग्मा है, ओ सॉरी मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, डेल है, क्यू इंटू, अगर सिग्मा हमारे पास में है तो ये इट गोज टू 2 to the power q नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वही जो ये चीज किसकी है? एनएफए की। तो ये चीज मैं ऊपर लिख देता हूँ, वहां पर जहां पर मैंने खाली छोड़ा था वहां पर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या आएगा गैस, यहाँ पर मेरे पास में आएगा 2 to the power q नंबर ऑफ स्टेट्स, ओके, जो कि डीएफए में क्या था? सिर्फ क्यू था। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। हैप्पी लर्निंग।